नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लोकसभा 2019 और पश्चिम बंगाल, बहुत सारे व्यूअर ने कमेंट बॉक्स में लिखा कि पश्चिम बंगाल के बारे में भी बताइए, तो मैं उन व्यूअर्स को बता देना चाहता हूं कि 4 मंथ पहले भी मैंने ये प्रोडक्शन किया था ममता बनर्जी से रिलेटेड, और जब इन्होंने महागठबंधन बनाया था उसमें सारी पार्टियों को एक साथ करने की जो कैपेसिटी थी उसके बारे में मैंने फुल प्रोडक्शन दिया था। और उस समय क्योंकि इलेक्शंस के डेट नहीं आए थे इसलिए मैंने बोला था कुंडली मुझे हर कंडीशन में पॉजिटिव दिखाई दे रही है, लेकिन अब मैं जो एनालिसिस करने जा रहा हूं उसमें गोचर में जो प्लैनेट की उपस्थिति है, इनकी चंद्र कुंडली क्या कहती है और इनका जो दशम स्थान है यानी D10 चार्ट जो होता है उन सभी का जो रिजल्टेंट है वो इनको कहां पर ले जा रहा है, इस चीज का मैं यहां पर संक्षेप में आपको बताना चाहता हूं। इनकी कुंडली में जो जनता का स्थान है यानी चतुर्थ स्थान जनता का होता है उसमें उच्च का बृहस्पति बैठा है। उच्च का बृहस्पति जब भी जनता के स्थान पर बैठ जाए तो लोग जो बोलते हैं, और इनका जो वाड़ी स्थान है उसमें उच्च का चंद्रमा भी बैठा है, चंद्रमा भी उच्च का और जनता का स्थान पर जो बृहस्पति है वो भी उच्च का, और ये दोनों ही प्लैनेट जो है मेष लगन की कुंडली में अति योग कारक हो जाते हैं। इसका मतलब इनकी जब भी दशा अंतरदशा चलेगी तो निश्चित रूप से इनको बहुत जनता का सपोर्ट मिलेगा और जनता इनकी बात को सुनेगी। लेकिन अब जो वास्तविक अभी इस समय जो ग्रहों की इनकी दशा चल रही है उसके हिसाब से देखा जाए शनि जो है इनकी कुंडली में मारक स्थान पर बैठा है, उच्च होकर बैठा है, पार्टनरशिप में तो जरूर बैठा है लेकिन पार्टनरशिप से यानी सारे विपक्षी दलों को एक साथ करके महागठबंधन बनाने की जो कैपेबिलिटी थी वो केवल ममता बनर्जी की कुंडली में थी, ये मैं पहले भी बता चुका हूं और इस कारण सारे दल आए थे। लेकिन गोचर में अगर देखा जाए तो शनि इस समय इनके नवम स्थान पे यानी भाग्य स्थान पे जा रहे हैं, और इस कुंडली में यहां पर देखा जाए तो है तो सम प्लैनेट लेकिन इसकी पोजीशन जो है भाग्य स्थान पर गुरु के घर में जा रहा है और वक्री हो रहा है, और इनकी कुंडली में जो गुरु का जो पोजीशन है वो शनि से अति शत्रुता तो नहीं रखता है लेकिन तात्कालिक शत्रुता जरूर रखता है। तो इंस्टेंटेनियसली अगर मैं बात करता हूं इस दशा अंतरदशा में इनको यहां पर थोड़ा सा सपोर्ट नहीं मिलने के चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति जनता का स्थान है लेकिन उसमें शनि की उपस्थिति, और शनि जब वक्री हो जाएगा तो पार्टनरशिप के लिए तो बेहतरीन कर देगा, पार्टनरशिप में नो डाउट प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन लक से जो जनता का साथ मिलता था इस समय जनता शायद इनकी बातों पर उतना ज़्यादा विश्वास नहीं करेगी। हालांकि TMC की सीटें सबसे ज़्यादा आएंगी पश्चिम बंगाल में, लेकिन TMC का जो वोट प्रतिशत है पहले से गिरेगा, और अगर हम देखें ये सभी चीज़ मैं इलेक्शन डेट्स पर जो प्लैनेट्स का गोचर हो रहा है उसको और इनकी जन्म कुंडली और D10 चार्ट सबको कंबाइंड रूप से एनालिसिस करने के बाद बता रहा हूँ। जो 11 अप्रैल को चुनाव होंगे उसमें 2 सीटों के लिए होंगे, 18 अप्रैल को 3 सीट के लिए, 23 अप्रैल को 5 सीट के लिए, 29 अप्रैल को 8, 6 मई को 7 सीटों के लिए, 12 मई को 8 सीट के लिए और 19 मई को 9 सीट के लिए, यानी टोटल जो 42 लोकसभा की जो सीट है उसमें अगर देखा जाए तो इनका जो मेन प्लैनेट है वो जुपिटर है, और जुपिटर वक्री हो रहा है और अपने घर में जा रहा है। तो निश्चित रूप से मैं यहाँ पे बता दूँ जो 11 अप्रैल का है और 18 अप्रैल का जो टाइम है, इवन 23 अप्रैल का भी मैं टाइम थोड़ा मान लेता हूँ क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड रहेगा उस समय, तो ये तीनों ही टाइम जो होगा इनके लिए बेहतरीन साबित होने वाला है। यानी 5, 3, 8, 2, 10 सीटें जो दिखाई दे रही हैं इसमें 10 में से इनको कम से कम 8-9 सीटें मिलने की संभावना रहेगी। लेकिन अगर हम उसके बाद की बात करते हैं, क्योंकि गुरु जो इनका मेन प्लैनेट है जहाँ जनता इनकी बात को सुनती है, वो प्लैनेट अब वक्री होकर पुनः अष्टम स्थान पर चला जाएगा, और जुपिटर का अष्टम में जैसे ही इनका प्रवेश हुआ था सरकार से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हुई और लोगों के अंदर भी इनके लिए कुछ निगेटिव सेंटीमेंट्स बढ़े थे, तो यहाँ पर अष्टम स्थान का जो गुरु है वो निश्चित रूप से इनके लिए अच्छा नहीं सिद्ध होने वाला, क्योंकि इनका भाग्य का स्वामी खुद अष्टम स्थान पर चला जाए तो लक का सपोर्ट केवल और केवल 23 अप्रैल तक इनको मिलेगा। 23 अप्रैल के बाद की अगर समीकरण देखा जाए तो 23 अप्रैल के बाद लगभग 32 सीटों के चुनाव होने वाले हैं, और इन 32 सीटों में इनके जीत के प्रतिशत होने की यानी जीतने का जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होने जा रहा है। इसलिए यहाँ पर ये प्रिडिक्ट मैं कर रहा हूँ कि
टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो है टीएमसी का वोट प्रतिशत इस लोकसभा चुनाव में कम होगा और बीजेपी का वोट प्रतिशत, क्योंकि मैंने आपको बताया है वर्तमान प्रोडक्शन में और पहले भी जो दो तीन हफ्ते पहले मैंने वीडियो डाले हैं कि क्यों बीजेपी का 23 अप्रैल के बाद का जो टाइम और 19 मई तक का जो टाइम है जिस समय वोटिंग होगी वो बेहतरीन होने वाली है, तो उसका अगर मैं मिला जुला असर देखता हूँ तो निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए कि बीजेपी 8 से 10 सीट पश्चिम बंगाल में जीत पाएगी, जो कि पिछले साल केवल 2 सीट जीत पाई थी, जबकि मोदी लहर बहुत अच्छा चला था उसके बाद भी केवल 2 सीट पश्चिम बंगाल में आई थी, लेकिन अभी का जो प्लानिटरी पोजीशन आ रहा है उसमें टीएमसी को ज़्यादा पहले से तो कम मिलेगा लेकिन ओवरऑल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी की 8 से 10 सीट यानी अगर देखा जाए तो 5 गुना से ज़्यादा इनको पिछले साल के रिस्पेक्ट में फ़ायदा नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जो मेरी भविष्यवाणी है बीजेपी का वोट प्रतिशत निश्चित रूप से यहाँ पर बढ़ने जा रहा है, यहाँ पर कमल खिलेगा। हाँ थोड़ा, क्योंकि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का राज रहा है, ममता बनर्जी का हमेशा से राज रहा है और वो हमेशा से जनता के बीच में बहुत लोकप्रिय हुई हैं, लेकिन इस बार की जो गोचरी अवस्था है वो निश्चित रूप से इनके लिए केवल 23 अप्रैल तक मैं डेट बता रहा हूँ पॉजिटिव रहेगा, लेकिन उसके बाद की जो तिथियाँ होंगी वो निगेटिव रहेगी। तो 10 सीटें तो इनको यहाँ पर स्टार्टिंग में दे देगा, लेकिन जो बाकी वाली जो 32 सीट है जो इसमें इनको पहले ज़्यादा मिली थी उस सीट में 32 में इनको 50% सीटों का हानि होगा, तो 50% सीट भी अगर देखा जाए तो 16 सीटें होती हैं, तो 16 और 10 26 27 सीटों का मेरा कैलकुलेशन है कि इनको मिलना चाहिए, और बाकी जो बीजेपी की है वो 8 से 10 सीटें यहाँ पर मिलेगी। तो मेरा प्रोडक्शन सही होगा या गलत होगा ये 24th को मैं हर वीडियो में बताता हूँ, मैं लाइव होऊंगा आप सभी के साथ और उस समय मैं ये चर्चा करूंगा कि मेरा जो कुंडलीय विश्लेषण था वो सही था या नहीं था। जो पश्चिम बंगाल की जनता है उनको मैं बता दूं, या जो नए सब्सक्राइबर है या नए व्यूवर्स हैं उनको बता दूं कि मेरी पिछले 3-4 सालों में लगभग 23 से अधिक भविष्यवाणियाँ सत्य हो चुकी हैं, आप उसको इस आई बटन में ज़रूर चेक कीजिए और कमेंट जाते जाते ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि वहाँ पर टीएमसी आएगी या बीजेपी आएगी, आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए एस्ट्रोलॉजी जो है वो प्लैनेटरी पोजीशन पर बेस्ड होती है, बट वहाँ की जनता जो है अगर वो कमेंट बॉक्स में लिखेगी तो ज़्यादा क्लियर होगा कि कौन सी पार्टी ज़्यादा जीतने लगेगी, तो पता चलेगा कि मेरा जो कैलकुलेशन है वो सही जा रहा है या गलत जा रहा है, और आने वाले टाइम में इसका जो रिजल्ट आएगा वो बताएगा समय। तो आज के लिए इतना ही, मैं एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा, ओम नमः शिवाय।